नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वर्ड थ्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप लोग वर्ड थ्री की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपके कितने नंबर आए, जिससे कि दोस्तों आपका श्योर यहां पे सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों छोटा सा वीडियो है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कट ऑफ की, तो दोस्तों कट ऑफ जो बेसिकली डिसाइड किया जाता है कि आपकी कितनी वैकेंसीज हैं, कितने यहाँ पर फॉर्म भरा चुके हैं और जो पेपर का लेवल है कितना रहा। तो दोस्तों फिलहाल अभी हमारे सामने नंबर ऑफ वैकेंसीज क्लियर नहीं है, साथ में दोस्तों हमें यह भी नहीं पता कि किस तरीके का यहाँ पे पेपर आया। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि आपके जो प्रीवियस ईयर में जितने भी व्यापम द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए हैं पेपर, उनके बेसिस पे ये बनाया गया। साथ में दोस्तों जो लाखों दोस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो उनके जो दोस्तों मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे ये कट ऑफ बनाया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अनरिजर्व का यहाँ पे कितना कट ऑफ जाने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि जो आपका पेपर है 150 नंबर का आना है और इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी, जो ये मैं कट ऑफ बना रहा हूँ ये आपका व्यापम के जो ऑर्गेनाइज किए गए अभी तक के पेपर उनके बेसिस पर बनाया गया है। साथ में जो कैंडिडेट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं स्पेशली वर्क थ्री की, दोस्तों लाखों बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके जो मार्क्स आ रहे हैं उनके बेसिस पे ये कट ऑफ बनाया गया। तो अनरिजर्व का जो यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है आप मान के चलिए 135 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। दोस्तों अगर आपको वर्क थ्री का पेपर निकालना है तो दोस्तों आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा जो आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं, जो जिन्होंने पेपर भरा उनके नंबर कितने आ रहे हैं, उनसे आप सीधा कंपेरिजन कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे। क्योंकि दोस्तों वैकेंसी है जो बार बार नहीं निकलती, आपको पता है व्यापम की जो वर्क थ्री की वैकेंसी निकली है काफ़ी समय बाद निकली है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें वर्क थ्री की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है उसमें मात्र एक परीक्षा ऐप ही है जहाँ पे आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी के यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे लाखों बच्चे दे रहे हैं, लाखों कैंडिडेट यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इसको नहीं खरीदा तो आप इसको खरीद लीजिए अगर आपको वाकई में पेपर निकालना है। आपको पता चलेगा दोस्तों जब आप इसका ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि लोगों के नंबर कितने आ रहे हैं और आपकी रैंक क्या लग रही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाखों कैंडिडेट यहाँ पर पेपर दे रहे हैं। और साथ में जैसे ही अगर पेपर आप देते हैं उसके बाद उसी पेपर का यहाँ पे कट ऑफ भी डिसाइड किया जाता है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप वर्क थ्री के टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी मैं आपको उसके लिंक दे दूंगा। दोस्तों 250 रुपये मत देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपकी वैकेंसी है बार बार नहीं आती है। जैसे दोस्तों आप ऐप डाउनलोड करेंगे अगर आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ खरीदेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोड डालना पड़ेगा VTopics25। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा VTopics25, आप इसको कैपिटल में लिखिएगा। तो दोस्तों जैसे आप टेस्ट सीरीज़ खरीदेंगे यहाँ पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द ये टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए, ताकि दोस्तों आप ऑनलाइन प्रैक्टिस देते रहेंगे तो आपको अपना लेवल पता चलता रहेगा और इससे दोस्तों आपको सीधे उन लोगों से कॉम्पिटिशन करने का मौका मिलेगा जो आपके साथ पेपर देने वाले हैं फाइनली। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि OBC और अनरिजर्व के कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हम OBC की बात करें तो दोस्तों आपका OBC का 128 से लेकर 132 यानी कि 128 से लेकर 132 के आसपास कट ऑफ रहेगा। उसके बाद SC की बात करें तो SC का आपका 120 से लेके 125, ST कैटेगरी का आपका 100 से 110, और उसके बाद का बात करते हैं हैंडीकैप यानी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट का जो कट ऑफ जाने वाला 85 से 95 के अप्रोक्स रहेगा। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 80 से 95। तो दोस्तों ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपका जो कट ऑफ इससे ज़्यादा भी जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है। जो आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, आपका पेपर का लेवल कितना रहा और अगर सामने वैकेंसीज आ जाती हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इतने जो मैंने आपको कट ऑफ बताया, कम से कम आपको इतना तो नंबर स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर सलेक्शन चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपका किसी तरह से वेटिंग में नाम आ जाता है तो दोस्तों वेटिंग में अगर आपका नाम आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आपको बिना वेटिंग बिना किसी दिक्कत के आपको क्लियर सलेक्शन चाहिए तो आप मान के चलिए दोस्तों आप इतना नंबर तो लेके आइए और इससे ज़्यादा लाने की कोशिश करिए, तभी आपका श्योर सिलेक्शन हो पाएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वो टेस्ट सीरीज़ को खरीद लीजिए, 250 रुपये मत देखिए दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती है। आपको सीधे यहाँ पे डायरेक्ट जो कैंडिडेट पेपर देने वाले हैं फाइनल में उनसे आपको कॉम्पिटिशन लेने का मौका मिलेगा। तो आप खुद देखिए कि आप 10 से 20 हज़ार के अंदर आ पा रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।